अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आ गया हूँ अभी सरप्राइज़ बर्थडे जो पार्टी थी उसका एक और ब्लॉग लेके मैं आ गया हूँ। इस बार अभी बर्थडे पार्टी प्रॉपर होगी, तो उसके लिए अभी हमने डेकोरेशन का सामान ये सारा पूरा रखा हुआ है। अभी मैं रात के टाइम पे जो है ये काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ से हमने ये सोफ़ा हटा के, ये पूरा गंदा हुआ हुआ है, यहाँ से पूरा साफ़ करना है। सोफ़ा हमने वो उस साइड पर रखा हुआ है, ये वाला सोफ़ा इधर नहीं आएगा। हम इस सोफ़े को उठा के यहाँ रख देते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस साइड पे। तो भाई हमने यहाँ से सफाई शुरू कर दी है। अब ये सोफ़ा इधर लगा देंगे, ये वाला सोफ़ा जो है इस साइड, ये वाला सोफ़ा आगे की साइड पे करेंगे। उसके बाद ना आगे मैं कंटिन्यू करने के बाद बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, भाई सोफ़ा रख दिया हमने। अभी यहाँ से मैं बस ये सफाई करके ना आगे से जल्दी से साफ़ करने के बाद फिर मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। जल्दी से मैं साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद फटाफट मैं आगे मिलता हूँ। चले भाई, ये हमने कर दिया साफ़। अब वहाँ से उठाएंगे वो वाली टेबल, ये इधर है टेबल। अब ये हम यहाँ से उठा के ना इसको ये रखेंगे इस साइड पे रखेंगे और इसको करेंगे डेकोरेट पूरा। यार पहले हम ये वाली टेबल उठा लेना, उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। पहले ये टेबल उठा के ना हम इधर रख लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आगे देखते हैं फिर, ठीक है। तो भाई ये आ चुकी है इधर, टेबल पूरी हमने इधर रख दिया उठा के। अब इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं आगे हम लोग पूरा भी इसको सेट करेंगे। ये पूरा यहाँ से सेंटर में आ गया है पूरा ना, इसके बीच में पूरा रखेंगे। भाई ये हमारा है, ये यूनिकॉर्न टेबल कवर है, ये भी हम लगाएंगे इस पे ना। इसको खोलें तो इसमें हमने रख दिया, ये यूनिकॉर्न का कवर रख दिया, बिछा दिया इस पे। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा है ये ना। मेरे हिसाब से, बच्चों के हिसाब से तो बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त सा कवर। हसन अब इस पर लेटर्स रखें हसन भाई, ठीक है लेटर्स रखें ना। नहीं लेटर मेरे साथ यहाँ नहीं रखा, फिर नहीं टेबल पे ही रखेंगे, उसने भी बोला टेबल पे रखना है। पूछता हूँ मैं तो, बोलता हूँ यार टेबल पे। ओके भाई, तो यहाँ से हम ये उठा लेते हैं, लेटर्स उठा लेते हैं, ये सारे लेटर्स उठा लिए हमने यहाँ से। अब ये यहाँ पर रखेंगे, इसको सेट करके रख देते हैं इसको, इसको हम यूँ सेट करके रख देंगे। तो हमने ये सेट कर दिए पूरे इस तरह ना। इसमें लाइट्स भी हैं, हम इसको ऑन भी कर देंगे। इनको ऑन करने के बाद ये अच्छे लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। इसको बाद में ऑन करेंगे, सबसे पहले तो हम ये क्या कहते हैं इसको रख देंगे। तो भाई बहुत सारे फिर से हमारे पास माल्टे आ गए, ये बीच में मुझे दिखाने पड़े क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं यार ये, उस पिछले व्लॉग में भी बड़े अच्छे लगे थे। अभी इसमें मौसमी आए हैं, ये पहले कीनू थे, अभी हमारे पास मौसमी आ गए बहुत सारे। अब जो है हम इसका भी बनाएंगे कल जूस, कल देखते हैं कल बनता है क्या बनता है, देखते हैं अभी ना करते हैं। पहले हम डेकोरेशन वगैरह कर लें तो उसके बाद आगे करेंगे। तो भाई ये अभी ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, बस इसको डिश को वॉश करना है, वॉश करने के बाद रखना है। तो इसको हमें फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये धुले हुए बर्तन ही हैं, बस इनको प्लेट्स को धो के रखना है ताकि कल जो मेहमान आएंगे तो उसके लिए तैयार फटाफट मिल जाए। धुले हुए बर्तन हैं ये सारे। तो भाई ये जो है हमारे, अब ये प्लेटें हो गई हैं, तो उसके बाद ये हमारे स्पून की बारी आ गई है। स्पून हम साफ कर रहे हैं, ये भी बहुत काम होता है भाई। ये हमें लगता है कि बहुत आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत सारी डेकोरेशन करनी होती है, चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है भाई। लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत हो रही होती है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक कर दिया करो भाई जल्दी से। तो भाई ये हो गया काम यहाँ पे डन हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे दोबारा टेबल वाली डेकोरेशन, ताकि हम ये फटाफट ये वाला काम हमने निपटा लिया। और भाई मैं आपको बताऊँ, रात के अब बजने वाले हैं तीन के करीब होने वाले हैं, ढाई तो बच चुके हैं, 2:35 तकरीबन हो गए। तो भाई ये जो है ये देखें, तकरीबन ढाई बज चुके हैं, अभी भी काम बाकी रहता है। अभी तो टेबल डेकोरेट करनी है, उसके बाद बहुत सारा काम करना है। अभी पीछे से अभी और प्लेटें निकालने का ऑर्डर आ चुका है भाई, कि भाई पीछे से और प्लेट्स निकालो।
तो भाई ये हम पीछे वाले किचन में आ गए और ये पीछे वाले किचन में है प्लेट्स प्लेट्स ये सामने रखी हुई है, ये वाली तो नहीं, ये सामने रखी हुई है। तो हमने ये जो है ना क्या कहते हैं पीछे से बर्तन निकाल लिए हमने यहाँ पे। अब ये हम सारे बर्तन अभी उसने अंदर वाले किचन में लेके जाएंगे, इसको भी साफ़ करना है। उससे पहले हम ना टेबल डेकोरेट करेंगे, सारी टेबल डेकोरेट करने के बाद फिर ये वाला काम करेंगे। तो भाई यहाँ से हो गया काम ख़त्म, अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, दूसरे वाले किचन में। ये वाला काम हो गया अपना डन। अब यहाँ से ना हम अरे बंद हो जा भाई, हो गया भाई बंद। भाई अभी हम ये जो है ना लाइट, ये इसको फिक्स करेंगे। अभी लाइट्स वाला काम है, लाइट्स वाला काम पहले करेंगे और ये लाइट्स लगाना शुरू कर देंगे अभी। और अभी लाइट्स हम लोगों के पास बहुत सारी हैं, पहले लाइट्स लगा लें उसके बाद आपको लाइट्स दिखाते हैं कि किस तरह हमने लाइट सेट की हैं। तो भाई अब ने हम लोगों ने एक बहुत मेहनत के बाद एक लाइट तो लगा ली, ये कुछ इस तरह लगेगी। अभी लाइटें बंद होंगी उसके बाद ऐसा लुक निकलेगा लाइट्स का सारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या लुक्स आएगा सारा लाइट का। तो भाई हमने इधर हैप्पी बर्थडे वाली लाइट भी इधर लगा दी है, ये सारी पूरी एंड में जला के दिखाएंगे आपको, उसके बाद तो बहुत ही ये अच्छा लगेगा। उसके बाद ये पूरा कवर वगैरह सेट कर देंगे इसका ना, इसको सेट कर देंगे पूरा। तो भाई यहाँ सुबह हो गई है, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ मुर्गियों के पास, देखने कि क्या कुछ होता है। अंडा दिया मुर्गियों ने या नहीं, तो मैं जाके ऊपर चेक करता हूँ मुर्गियों ने अंडा दिया या नहीं। मैं यहाँ से अभी ऊपर की साइड जा रहा हूँ, पहले अंडा देखेंगे फिर डेकोरेशन का काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से ऊपर आ गया, अब मैं चेक करता हूँ कि यार मुर्गियों ने अंडा दिया या नहीं। नहीं भाई शायद नहीं दिया, नहीं नहीं यार मुझे नहीं लगता कि अंडा दिया इन्होंने। मैं ज़रा इनको कुछ खाना पानी दे देता हूँ फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। नहीं यार आज मैंने चेक किया इन्होंने अंडा नहीं दिया हुआ, वैसे अंडा दिया होता है, मैंने चेक भी किया नहीं दिया इन्होंने अंडा। तो भाई खाना तो मैंने इनको दे दिया, फीड बना के मैंने दे दिया मुर्गियों को। अब मैं पानी डाल रहा हूँ यार, पानी मैं डालूँगा उसके साथ साथ ही ना आगे फिर पानी भी दूँ, फिर पानी दे के ना उसको फिर मैं आगे पानी देता हूँ। पानी मैं दे दूँ पाइप को, मैं यहाँ फिट कर देता हूँ यार। तो कैसे हो गई फिर ऐसे चला यार पानी चलता। दोस्तों इन लोगों ने तो अंडा दिया नहीं, वैसे अंडे तो देने शुरू कर दिए थे, आज जब जब मैं आता हूँ तब तब कोई अंडा देते ही नहीं है। ये मैंने खाना दे दिया, ये खाना बनाया था इनका मैंने, ये सारा खाना बनाया और ये पता नहीं क्यों नहीं अंडा दे रही हैं यार, जब जब मैं आता हूँ तब तब अंडा देती ही नहीं है मुर्गियाँ, अजीब मजा आ गया यार। तो भाई इनका खाना पानी तो हो गया, अब मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि नीचे और भी काम है बहुत सारे वो करने हैं, नीचे मैं जाके अभी और काम करूँगा। तो इनका खाना पानी तो दे दिया, बाकी अंडा तो नहीं मिला भाई, मुझे नहीं लगता कि आज अंडा ना मेरी नसीब में है। मुझे देखे पहले अंडे देने शुरू किए थे तो वो इन लोगों ने खा लिए, मैं मज़े से खा लिए। तो मैं अपने नीचे जाके और काम करता हूँ फिर मिलते हैं। तो भाई हम आ गए नीचे नाश्ता करने के लिए, ऊपर मुर्गी ने तो अंडा नहीं दिया, लेकिन ये वो अंडा है जो हमारी मुर्गी ने दिया था, ऊपर जो थी ऊपर जो पिंजरे में मुर्गी थी उसने अंडा दिया है। ये भी हम नाश्ता करेंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हम लोग जो है
ये पुंतड़ू जो है हैप्पी बर्थडे वाला, ये पुंतड़ू ख़राब हो चुका है, हवा निकल रही है इसमें से, तो इस पुंतड़ू को हम चेंज करवाने जा रहे हैं। क्या यार क्या शौक है, क्या क्या चीज़ें मिल गई है हैप्पी बर्थडे वाला जो नहीं होता, जो हवा भरती है, और वो ये दिखा दूंगा मैं आपको, पूरा डेकोरेट हो जाएगा तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद ये पूरा ना ये ख़राब हो गया, इसमें से हवा भर रहे हैं तो निकल रही है, हवा भर रहे हैं तो निकल रही है। चलें जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी सोसाइटी से निकलेंगे और क्या कहते हैं उसके बाद जल्दी से यार थोड़ा काम है, वो सारे काम करने के बाद फिर आगे चलते हैं। भाई ये हैप्पी बर्थडे वाला पुंतड़ू हमने चेंज करवा लिया, अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। भाई बहुत मुश्किल होती है बच्चों की बर्थडे करना, भाई साहब बहुत मुश्किल होती है भाई। तो भाई हम लोग पहुँच गए इधर ना, इधर हम पहुँच गए और क्या कहते हैं हम लोगों ने इधर से ले लिया केक। ये आप देख रहे हैं हम बेकरी की तरफ पहुँच गए, गार्ड बैठा हुआ है, टोपी उठा के ना खेल रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। खैर हम लोग पहुँच गए इधर, इधर तो हम लोग ने केक ले लिया भाई, ये अंदर लेने चले गए। मैं बैठा रहा हूँ, मैं थक गया भाई, मैं बहुत काम कर चुका हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा अभी अंदर, मैं बैठ चुका हूँ इधर गाड़ी में। तो भाई इसके बाद हम ना घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और रवाना होंगे फिर दोबारा की उधर जाएंगे घर पे। अभी भी बहुत काम बाकी है यार, बहुत यार बहुत मुश्किल लगती है, एक तो काम भी करना हो साथ में व्लॉग भी बनाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। भाई सिविक वाला लौंडा आ गया, और भाई सिविक वाले लौंडा हमारे पास करीब आते हुए, वाह भाई वाह क्या बात है भाई सिविक वाले लौंडे। चलो भाई अभी हम मिलते हैं, मैं घर की तरफ जाके यार वहीं से कैमरा स्टार्ट करूँगा। इट्स कराची, इट्स नॉट सेफ हियर एनीमोर। मैं आ चुका हूँ घर पे, और ये देखें माशाल्लाह इसमें आना शुरू हो गए, टमाटर लाल होना शुरू हो गए, इधर भी लाल ये अभी और टमाटर आ रहे हैं, इधर भी नीचे ये देखें टमाटर लाल हो गया, और पीछे भी लाल हो गए टमाटर, बहुत सारे टमाटर लाल हो गए, ये लाल टमाटर हो गए। अभी शायद थोड़े और बड़े होंगे तो हम इसको तोड़ लेंगे। घर में आ चुका हूँ अभी, इधर मैं आपको एक और दिखाऊँ ये सब्ज़ी में, ये पालक भी लगी हुई है इधर। अच्छा एक कुंडी ना खुली रह गई थी, मुर्गियाँ आई और मुर्गियों ने ना स्ट्रॉबेरी का जो है ना हमारी अम्मा का पौधा, वो पौधा जो है ख़राब कर दिया, स्ट्रॉबेरी के पौधे को ना उन्होंने ख़राब कर दिया। तो खैर फिर मुर्गियाँ बंद कर दी थी। ये हरी प्याज लगी हुई है, हरी प्याज, ये सलाद पत्ता आ गया, बाकी इधर नींबू वगैरह भी थे, ये लकड़ी के लॉग्स भी रखे हुए, इससे भी कुछ बनवाएंगे अभी आगे, मतलब कि कुछ ना कुछ बनवाते हैं अभी तो, आज तो ऐसा बिजी दिन चल रहा था, इसमें कुछ आगे देखेंगे बनवाने का सोचेंगे। चलें दोस्तों मैं यहाँ पे ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, फिर एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेट का वो जो इशू आपको पता है किस तरह का पाकिस्तान में नेट है, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है भाई, कर दें सब्सक्राइब कर दें यार, थैंक यू।